केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा इन दिनों देश के कोने कोने में पहुंच रही है। ये यात्रा खासकर उन दूर दराज के गांव में पहुंच रही है जहां लोगों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में जागरूकता न के बराबर है। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा का डिजिटल रथ जिले के इन गांव में पहुंच रहा है। गुरुवार को बेटमा क्षेत्र के ग्राम दातोदा और घाटा बिलोद में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां सरपंच और आगंतुक जनप्रतिनिधियों ने शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताया। इस दौरान कृषि विभाग द्वारा खेतों में चली ड्रोन द्वारा आधुनिक खेती के लिए ड्रोन के विभिन्न कार्यों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर लाडली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र भी वितरित कर संकल्प भी दिलवाए गए। उल्लेखनीय है कि इंदौर जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के साथ ही जन सामान्य को योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। देखो, अभी जो अपने देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने बीड़ा उठाया कि सभी बहनों को सक्षम बनाया जाए। और हमारे मामा जी तो चले गए, अब तुम्हारे भैया गए, अब यादव जी आए हैं, देखो क्या कुल खिलाते हैं। बाकी शिवराज सिंह जी तो आपको बहुत कुछ दे के गए हैं, लेकिन फिर भी बिल्लोद के लोगों ने शिवराज सिंह की बात बिगाड़ दी। अभी बताया 600 बहनों को लाली बहनों का लाभ मिल रहा है, घंटा उन्होंने यानी हर महीने 6 लाख 6.5 लाख रुपए 7 लाख रुपए हर महीने मिल रहे हैं। उसके बाद अगर 600 महिलाएं भी अगर जो बोल रही होती है तो सरपंच की इज्जत तक जाती है। लेकिन आप लोगों ने क्या है, अब हमारी महिलाएं मुस्लिम महिलाएं का तो कहीं वो खुद दिखे चेहरा आयो। विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारी ग्राम पंचायत ततोदा में यहाँ पर मोदी जी का रथ आया था, और यहाँ पर इस ग्राम पंचायत में सभी को लाडली लक्ष्मी योजना के कार्ड वितरण किए गए, और जो भी मोदी जी की योजना है सभी योजनाओं का जो भी वो लाभ दिलवा रहे हैं वो लाभ के बारे में सभी नागरिकों और महिलाएं जो आई थी उनको सबको बताया। भारत विकसित यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी की गारंटी, जो वो अपने हर भाषण में बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, जो वो बोलते हैं वो सारे विश्व में उनकी बात को बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी जाती है, और हमारे भारतवर्ष में सा अक्षर उनके आदेश का प्रशासनिक स्तर पे पालन किया जाता है। और जिस गांव आज हम ग्राम पंचायत दतोदा में खड़े हैं, इस गांव की हालत आज से 15 साल पहले 20 साल पहले ऐसी हुआ करती थी कि गांव में की पगडंडी चलने के लिए नहीं हुआ करती थी। उस गांव में चारों तरफ चमचमाती सड़कें बन गई है, और उस गांव में आज मोदी जी है तो मोदी जी की विकसित यात्रा में एक हमारा नया हेलीकॉप्टर, जो किसान कभी सोच भी नहीं सकता था, वो हेलीकॉप्टर ड्रोन, उस ड्रोन के माध्यम से किसानों की सिंचाई करने के लिए जो उनकी 4 दिन की मेहनत को 1 घंटे में पूर्ण करने की विकसित भारत यात्रा में प्रदर्शन बता रहे हैं यहाँ की जगह सारे कंपनी के लोग विकसित यात्रा में। इसलिए हम सब लोग ग्रामवासी, ग्राम पंचायत दतोदा, पूरी जनपद, देवपालपुर जिला इंदौर, आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर ऐसा विकास करते रहे। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।